अगर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो आर एस अग्रवाल से जो हम सॉल्यूशन करवाते आ रहे थे उसी चैप्टर को, उसी को हम कंटिन्यू टॉपिक करवाते जा रहे हैं, और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे कि एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, इस टाइप का जब कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आए, देखिए एक प्रोसेस पे जाकर के आप क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हो वो माने नहीं रखता है, आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 1144 रुपये में बेचने पर, यानी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एफपी इज इक्वल टू 1144 रुपये, ध्यान दीजिएगा, और इसमें है कि 30% लाभ पर। तो जैसे ही अगर एसपी से हमें सीपी में बदलना है, जब कभी भी आपको एसपी से सीपी में बदलना होगा, उस कंडीशन में आप क्या करना डायरेक्टली, उस कंडीशन में आपको 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो 30% प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, 100/130, 30% प्रॉफिट, तो सीधे 100/130, यानी 100/130, तो ये जो निकल के आएगा ना आपके पास, ये निकल के आ जाएगा आपको सीपी, तो इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 00 कैंसिल, 13 से कट जाएगा, 13/8 = 104, और उसके बाद आपको बचा कितना 10/13/8 = 104, यानी कहने का मतलब 880 रुपया में ये खरीदा था, ये जो व्यक्ति थे वह 880 रुपये में खरीदा था, और उसे बेचा कितना में था, 1144 रुपये में बेचा था, तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 30% का। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको दूसरे टाइप में दे दिया होता कि 880 रुपया में बेचा और उस व्यक्ति को 30% का उसे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो प्रॉफिट जब चाहिए तो उस और इस कंडीशन में आप बताइए कि उसे कितना में बेचना है, उसे कितना में बेचेगा कि उसे 30% का प्रॉफिट होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधे क्या करेंगे, 880, और जैसे हमने यहाँ पे पलटे थे ना, उसको क्या करना, 130/ कितना 100, बस कट कर लीजिए, 00 कैंसिल, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1144 रुपया, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना में बेचेगा, इतना रुपया को उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है कि रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा। ठीक ना, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है आपका, एसपी दिया हुआ है, और यह बेचा कितना में, 680 रुपया। ठीक है, कितना परसेंट हानि पर, 15% हानि पर। ठीक ना, तो 15% हानि, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, 100/, हमको एसपी चाहिए तो 15% हानि, तो 100/ कितना करेंगे, 85, बस हो गया कहानी खत्म, और इसको आप क्या करें, कट कर लें, ठीक ना, जीरो कितना हो जाएगा, 5 से 5 1 जा 5 5 3 जा 5 6 जा 5 70 17 18 800, यानी 800 रुपया में खरीदा। ठीक है, समझ गया लोगों के बाद। क्वेश्चन नंबर तीन, में आपसे क्या कह रहा है कि राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपये की दर से प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, मतलब सीपी क्या उन्होंने, मतलब कॉस्ट प्राइस उनको कितना लगा, 1600 अंडे मतलब 12 से डिवाइड कर लीजिए पहले, वो कितना मतलब दर्जन खरीदा था, ठीक है, इतना दर्जन खरीदा, 12 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि 1600 अंडे दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि एक अंडे का भाव कितना होता है, एक दर्जन में कितना अंडे होता है, तो 12 अंडे कितना, उसको 3.75 रुपये इतने के दर से उन्होंने खरीदा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.100, उसके बाद 3 × 12 और बस 6, ये हो गया आपका कितना, 8, क्योंकि 2 0 2 0 कैंसिल, ये 8, उसके बाद 3, और यहाँ पे कितना, 3 × 2 = 8, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे 3 × 5 = 15, तो 125 × 4 कितना हो गया, 25 × 100, यानी 500 रुपये में उन्होंने जितना अंडा खरीदा था 500 रुपये लगाया था। अब आगे कह रहा है कि बेचा उन्होंने, तो बेचा जो उन्होंने, तो वह बेचा कैसे कि 900 अंडे उसने 1 रुपये की दो की दर से, मतलब 1 रुपया में 2 बेचा,
ठीक ना। तो दो जब बेचा तो 900 अंडे, तो 900 अंडे को 2 रुपए यानी 1 रुपए में 2 बेचा, तो 1 रुपए में 2 बेचा कितना 450 रुपए, यानी 1 रुपए में 2 बेचा तो इनको 450 रुपया सीपी हुआ 450। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि उन्होंने शेष जितना बचा, तो 900 तो बेच दिया, बचा कितना 700, तो 700 को उन्होंने जो बेचा वह कितने के दर से, तो 2 रुपए में 5 की दर से, तो 5 से हमने डिवाइड दे दिया, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना उन्होंने एसपी किया मतलब बेचा। अब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो कितना हो जाएगा 5, 2 से ऊपर भी और नीचे भी, तो हो गया 10, तो 10 से कैंसिल हो गया ये 0 कैंसिल, 70 रुपए 140 200 280 रुपया यहाँ से आया और इसको इतना लगा, मतलब टोटल अंडे को जब उन्होंने बेचा तो उनको मिला कितना 0 8 5 13 1 4 2 6 1 7 730 रुपया, और ये खरीदा कितना में था 500 रुपये में। अब आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट का उसे लाभ हुआ, तो भाई साहब परसेंट जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो हमेशा उसे कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्योंकि जो कोई भी सामान अगर आप खरीद के लाएंगे हानि भी होगा तो उसी पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, और मुनाफा भी होता है तो उसे कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपया में लाया 5% प्रॉफिट पर 105 में बेचा, 105 में 5 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, अगर हानि हुआ तो कितना 95 में बेचा, ठीक ना ओके। तो चलिए कितना हो गया प्रॉफिट आपका 230 बट्टा में कितना 500 और गुणे 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 से 5 24 5 36 यानी 46% का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट बराबर 46%, और इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर उसे 25% का हानि होती है, 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी को कितना रुपया में बेचना होगा, क्लियर। तो आपसे जो कह रहा है आसानी पूर्वक पहले एसपी निकाल दीजिए, सीपी निकाल दीजिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 720 रुपया में बेचा ना उसे, तो उसे 25% का हानि हुआ, तो हानि हुआ तो सीपी हमको निकालेंगे, तो 100 बटा कितना 75, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक ना। अब उसे चाहिए क्या इस पर, तो 25% लाभ चाहिए, तो भाई साहब ये तो सीपी बन गया, अब सीपी से हमको किसमें कन्वर्ट करना है, आपको कितना में बेचा मतलब एसपी में कन्वर्ट करना है 25% लाभ लेकर के, तो क्या करेंगे हम 125 बट्टा 100, क्लियर हो गया, ये इतना रुपया में बेचेगा। अब इसको कट कर लीजिए, ठीक ना, 75 को कट कर लीजिए, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, ठीक ना, 3 से 3 24 दिया 72 240, 2 को 0 2 को 0 कैंसिल, 240 को आपको गुना कर लीजिए 5 से, तो 0 5 चुका 20 2 और 5 × 10 = 1200 रुपया में बेचने पर उसे 25% अब प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे। एक रेडियो को 990 रुपया में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, इसमें क्या कर रहा है आपको कि 900 रुपया में मतलब बेचा, समझ गया ना, एसपी है, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, उसको सीपी में कन्वर्ट करना है, ओके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नॉर्मली सीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी को 100 को सीधे क्या करना पलट देना, यानी 110 को क्या करना है 100 बट्टा कितना 110, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हानि हुआ था तो उसको हमने 100 को ऊपर और 75 हो गया था जो भी होता, ठीक ना। तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो 110 नीचे, ये सीपी में चेंज हो गया, ये किसमें चेंज हो गया, सीपी में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि वह इसे 890 रुपये में बेचा तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये चीज आपको, तो पहले सीपी निकाल दीजिए ना, तो कैसे निकलेगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 से कटेगा 990 है सॉरी, ठीक ना, तो 990 11 में 99, तो 90 हुआ, 90 को 9 से 900 रुपया में उन्होंने खरीदा, ओके। तो इसको बेचा कितना में, 890 रुपये में बेचा, कितना में बेचा उन्होंने, क्या कह रहा है 890 रुपये में, जिससे प्रॉफिट वाला लॉस हुआ, तो नॉर्मल सी बात है 900 रुपये भाई साहब खरीदा था उसे और 890 रुपये में बेचा तो कितना का हानि हुआ उसे, हानि हुआ ना, तो उसे हानि हुआ, तो लॉस परसेंट बराबर कितना 10। अब बट्टा में क्या होगा, सीपी, आपको पता है कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी कितना है आपके पास 900 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 2 0 2 0 कैंसिल, 10 बट्टा 9, तो 10 बट्टा 9 कितना हो जाएगा, 9 × 9 9 × 10 1 × 9 1 बट्टा 9% का क्या होगा इसे, तो हानि होगा, क्या होगा, लॉस।